हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम पार्ट टू के न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर वन से। इससे पहले मैंने बीकॉम पार्ट वन के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है हर एक सब्सक्राइबर एंड व्यूअर से कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए। अगर आप लोगों को तब भी कोई इशू या प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग बनाएंगे चैप्टर वन, इशू, रीइशू एंड बायबैक ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर वन को। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है। इसमें बोला है कि अशोक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि धनबाद का है, उसके पास 5 लाख की कैपिटल है जिसको वो लोग उसने डिवाइड किया है 50,000 इक्विटी शेयर्स का, और हर एक इक्विटी शेयर का वैल्यू उसने ₹10 रखा है। तो इसमें फिर बोला है कि वो इशू किया है 40,000 शेयर्स, मतलब उसके पास 50,000 शेयर्स था जिसमें से वो 40,000 शेयर्स ही सिर्फ इशू किया है कि पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 40,000 शेयर्स पे। 40,000 से कम हो सकता है पर 40,000 से ज़्यादा नहीं होगा। देन उसके बाद बोल रहा है कि पब्लिक जो थे उन्होंने 30,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा इशू ऑफ शेयर्स होता है तो उसमें हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था। तो यहाँ पे मेन हमारा एंट्री होगा 30,000 पे, क्योंकि पब्लिक ने सिर्फ 30,000 शेयर्स किया है जो कि हमारा ₹10 पर होगा, जिसमें से 2 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, 3 फर्स्ट कॉल पर है एंड बैलेंस जो बचा हमारा ₹2 वो सेकेंड कॉल पर देना है। तो अब हम लोग इसमें पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो वो हमारे बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। देन ये आ कहाँ से रहा है? ये एप्लीकेशन मनी से आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा। इसमें हम लोग लिख लेंगे 30,000 सब्सक्राइब किया था सब्सक्राइबर एंड इनटू हमारा एप्लीकेशन का पहला वैल्यू ₹2 दिया है, तो इसे हम लोग 2 से इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 60,000। ये एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ था कंपनी को, अब वो एप्लीकेशन के मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, ये हो जाएगा हमारा 60,000। देन उसके बाद अब वो मांगेगा अपना सेकेंड अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट के लिए वो सबसे पहले कॉल करेगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, ये कॉल करेगा तो वो कैपिटल में डालेगा इसके मनी को, तो हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर के लिए हो जाएगा 30,000 का हमारा शेयर्स था, 30,000 शेयर्स था और अलॉटमेंट का इसमें वैल्यू दिया है हमारा ₹3, तो हम लोग 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90,000। देन इस कॉल को उसे मिल जाएगा ये कॉल, तो हम लोग अब बैंक में आ जाएगा उसके पैसे, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, वो रिसीव कर लेगा अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 90,000। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का भी उसे मिल गया है। अब वो कॉल करेगा फर्स्ट कॉल अपना, तो फर्स्ट कॉल का सबसे पहले वो कॉल कर रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 30,000। हमारा फर्स्ट कॉल का वैल्यू दिया है ₹3, तो हम लोग 3 से इनटू कर देंगे, ये भी हो जाएगा हमारा 90,000।
देन ये बैंक में आ जाएगा, रिसीव होगा उसे, तो लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल से पैसा आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 90,000। देन उसके बाद वो अपना सेकेंड लास्ट कॉल को कॉल करेगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, मैं ऐसे सेकेंड कॉल लिख ली हूँ, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएगा। ये हम लोग देख लेंगे कितना होगा, ये लिखेंगे ये 30,000 था हमारा शेयर, सेकेंड कॉल का वैल्यू हमारा दिया है रुपीज़ 2, तो हम लोग 2 से इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 60,000, ये हो गया हमारा 60,000। अब उसके बाद ये सेकेंड कॉल का मनी उसे बैंक में आएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड, आ कहाँ से रहा है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट, ये था हमारा 60,000 का। अब जब हम लोग पूरे जनरल एंट्री को हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, जो कि हमारा टोटल होना चाहिए जितना उसे मिलना था। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जनरल एंट्री। इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल एंट्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला है कि कैपिटल है 50 लाख एक्स लिमिटेड के पास, जिसमें से कि वो 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ का इशू कर रहा है, जिसपे कि 20 एप्लीकेशन पे लेना है, 25 अलॉटमेंट में, 30 फर्स्ट कॉल एंड 25 फाइनल कॉल पे। ये तो हमारा एंट्री हो जाएगा। देन उसके पास एक इसमें बढ़ा दिया कि एक्सपेंस हुआ है इशू करते टाइम शेयर को, उस टाइम कुछ एक्सपेंसेस हुआ था जिसका 50,000 दिया है, तो इसे हम लोग जनरल एंट्री में पास कर लेते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले कंपनी को क्या होगा कि एप्लीकेशन अकाउंट वो रिसीव्ड करेगा, जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, रिसीव कहां से करेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा उसको सबसे पहले मिल जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा हम लोग इनटू कर लेते हैं, ये होगा हमारा 20,000 सब इक्विटी शेयर्स था जो एप्लीकेशन पे लग रहा था 20 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख, तो हम लोग लिखेंगे 4 लाख, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़ एप्लीकेशन से आया है। देन हम लोग अब कैपिटल में एंट्री कर लेंगे, कैपिटल में डाल देगा वो इसके पैसे को, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। देन उसके बाद आप वो कॉल करेगा अलॉटमेंट के मनी के लिए, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये ऑल नहीं है, ये अलॉटमेंट का मैंने शॉर्ट लिखा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 20,000 का हमारा इक्विटी शेयर था। देन अलॉटमेंट का हमारा वैल्यू दिया था 25 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख, देन अब बैंक में वो ट्रांसफ़र कर देगा इस मनी को, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा बैंक में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। देन उसके बाद वो कॉल करेगा अपने फर्स्ट कॉल का पैसा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
ये डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा 20,000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स है जिसमें हमारा फर्स्ट कॉल का वैल्यू दिया है 30 रुपीज़, तो हम लोग 30 कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़। देन इसको ये फिर से बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होगा हमारा 6 लाख रुपीज़। देन उसके बाद वो अपना लास्ट सेकेंड कॉल को कॉल करेगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 20,000 का हमारा इक्विटी शेयर है इनटू सेकेंड कॉल हमारा दिया है फाइनल कॉल 25 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपीज़। देन ये बैंक में आ जाएगा इसके मनी, अब हम लोग लिख लेंगे बैंक में मनी आ जाएगा इसके फाइनल कॉल का, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल से पैसा आया है, ये था हमारा 6 लाख रुपी 5 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा जितना कॉल था उसने सारा पैसा मांग लिया, हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए जनरल एंटिटी का 20 लाख रुपीज़, क्योंकि उसने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया था 100 रुपीज़ के रेट पे, तो उसका हो जाता है 20 लाख रुपीज़। अब इसके बाद बोला है कि एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बैंक से वो पे करेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर इशू ऑफ एक्सपेंस डेबिटेड, ये अकाउंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा कटेगा उसका जो एक्सपेंस उसने किया था, ये था हमारा 50,000 का जो कि क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी 50,000 and 50,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2 क्वेश्चन। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी आगे सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।